हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि एसएससी एग्ज़ाम 2017 को 3 महीने में कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा पैटर्न डिस्कस कर लेता हूँ। तो टायर वन में 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टायर 2 में 400, इंग्लिश प्लस मैथ टायर 3 में 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऐसे, और एप्लीकेशन टायर 4 में क्वालिफाइंग होगा कुछ बुक्स के लिए है वो टाइपिंग और में एक्सेल वगैरह कुछ होता है। तो पहले टायर वन की बात करते हैं, मार्किंग स्कीम जो 3 भी होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 गलत होगा 0.5। टोटल टाइमिंग 70 मिनट्स में होंगे, इसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 2 मार्क्स का 200 मार्क्स के क्वेश्चन। तो टायर वन में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, और सब में 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स का आता है। इन डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और टायर 2 न्यूज जो है वो भी ऑनलाइन एक बार फिर 16 मिनट सेकेंड चेंज क्वेश्चन मैथ 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स से 2 आवर्स का टाइम रहेगा। एक क्वेश्चन 50 मार्क्स ट्राई करने पर हम 0.5 इंग्लिश में 200, तो 200 मार्क्स का हर क्वेश्चन जो है मार्क्स का होगा 1 मार्क। काम करने पर 4 क्वेश्चन काम करने पर आपका 1 मार्क कटेगा। क्वेश्चन ये है कि प्रिपेयर कैसे किया जाए, 3 महीनों में कैसे प्लान किया जाए जिससे कि अच्छी इफेक्टिव स्टडी हो और हमारे मार्क्स अच्छे हैं, सिलेक्शन हो जाए अच्छे कोर्स के। कभी टाइप्स, एक्सरसाइज, एग्जामिनर, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम पहले तो महीने गोल रखें, टारगेट रखें कि भाई मुझे स्टडी इफेक्टिवली करनी है, मार्कली करना है, मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना है, मुझे एग्ज़ाम में जितना आता है उसको अच्छे से करना है। तो जरूरी है कि पहली चीज़ है मैथ से स्टार्ट करना, मैथ से क्यों, क्योंकि रीजनिंग और जीएस आपके 300 मार्क्स में, मैथ और इंग्लिश जो है 250 मार्क्स एंड 500, तो आउट ऑफ 600 जो है आपका डिसाइडिंग फैक्टर वो नहीं हो सकते थे। और जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इकट्ठा बुक करने से अच्छा है कि आप पहले एक टॉपिक को अच्छे से करें, मैथ्स पे अच्छा कमांड कर लें, उसके बाद फिर इंग्लिश पे कमांड कर लें। और जीएस और रीजनिंग आप जब बोर होने लगे तब करें। रीजनिंग तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कर सकते हैं, एक दो टॉपिक हैं जैसे नंबर सीरीज़ वगैरह, उसके लिए आप RS अग्रवाल प्रेफर कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर किरण की बुक आती है वो भी कर सकते हैं, जो कि आगे मैं लिस्ट दूँगा सारी बुक्स की। तो ज़रूरी है कि हम स्मार्टली स्टडी करें, इफेक्टिवली करें, और एक गोल सेटिंग के साथ कि मुझे टोटल कितने मार्क्स हैं। देखिए साल 137 जनरल की कट ऑफ गई थी, तो 160 प्लस एक सेफ जोन था 2016 के, तो 160 प्लस का टारगेट रखें और डेडलाइन के साथ चलें कि मुझे प्री में 160 प्लस ही स्कोर करना है। मॉक का एक कोशिश करते रहे अपने आप को जब तक 160-170 ना आने लग जाएँ, ठीक है। उसके बाद फिर रिवीजन भी बीच बीच में होता रहेगा। मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट वे है, सब कुछ रिवाइज करा देता मॉक टेस्ट। उसके बाद जीएस और रीजनिंग आप थोड़ा बात के लिए छोड़ सकते हैं। शुरुआत के जो 2 मंथ्स हैं मैं तो कहूँगा इंग्लिश और मैथ्स पे ही फोकस करें पूरा, बाद में फिर धीरे धीरे आप जब बोर होते रहें तो दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें। फिर अभी आपकी जो है ये बुक लिस्ट दे रहा हूँ मैं मैथ्स के लिए, इसको कवर करें। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप क्वांटम कैट से शुरू कर सकते हैं, इसके बहुत अच्छे से कंसेप्ट दिया हुआ बेसिक्स के लिए। बट मॉक टेस्ट जरूर दें, भले ही आपको प्रिपेयर हुआ हो ना हुआ हो, डजंट मैटर, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिलीव मी, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, और इस SSC एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना एग्ज़ाम में, ठीक है, कौन सा वीक पॉइंट है, आपको ये सब मॉक से ही पता चल जाता है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 है इंग्लिश, तो प्रिंट टू पैरामाउंट, वर्ड पावर, मेड इजी, मिरर, SP बख्शी मेनली मेंस के लिए, और MB पब्लिकेशन। MB पब्लिकेशन में क्या है, प्रीवियस ईयर सब दिया हुआ है। तो अगर आप मॉक वैसे देना नहीं चाहते तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं दे सकते देना चाहते हो तो पहले भी मैथ के साथ इंग्लिश करते रहें अच्छे से, वोकैबुलरी और ग्रामर मैं वीडियो बनाता रहूँगा उसको आप देखते रहें, उससे पढ़ते रहें। रीजनिंग के लिए
आरएस अग्रवाल के मैं बता ही चुका हूँ, मॉक टेस्ट भी इनफ है इसको करने के लिए। और फिर जीएस आता है, तो जीएस में पहले आप लिसन कर लें, बेसिक सब उससे क्लियर हो जाएगा, और मन हो तो एनसीईआरटी, उसके बाद फिर किरण के पीवी से लगा लें, मोर देन इवन इनफ है। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये वाई। देखिए एग्ज़ाम ऐसी चीज़ है कि बहुत टाइम कई बार लग जाता है, तो डीमोटिवेशन होने लग जाता है,